आई माननीय नीरज कुमार जी इनको सदस्यता ग्रहण करवाइए। महासचिव पद छोड़ के आए हैं, बाद में पढ़ के बता देंगे सबको। आप लोग जाइए, अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। ज्वाइनिंग हैंड करवा देते हैं, उसके बाद माननीय मंत्री जी अपना संबोधन करेंगे। आ जाइए आप लोग, तीनों आइए ना, आप लोग नहीं आइए, यहाँ पर खड़ा हो जाइए, यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। अब सबसे पहले माननीय विधायक महेश्वर यादव जी से अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर दो शब्द अपना विचार रखेंगे। महेश्वर जी बैठ के ही बोलिए, बैठ के संबोधित कीजिए। इस शुभ अवसर पर इस समारोह में उपस्थित हमारे राज्य के माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी और हमारे साथ सदस्यता ग्रहण कर रहे माननीय माननीया श्रीमती ये प्रेमा चौधरी जी और ये पहला डॉक्टर अशोक कुमार कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित सभी समाचार पत्र के बंधुगण और अन्य पार्टी के उपस्थित साथियों, मैं पिछले 4 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में जो कुरीतियां चल पड़ी थी, जो परिवार की पार्टी बनकर के रह गई थी, उस पार्टी में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए राज्यसभा और लोकसभा में जगह हो गई थी। उस पार्टी से मैं दुखी था। वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम पूर्व नीति सिद्धांत को छोड़ करके और परिवार की पार्टी बना लिया था। इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे, कई बार आप लोगों को भी कहा था, पिछले कल जो मुझे निष्कासित किया गया है तो वो तो 4 साल पहले मुझे निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इतना दिन तक जब मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला था जनता दल यूनाइटेड, तो जानबूझ के कल मुझे निष्कासित किया गया। तो मित्रों, इसी के कारण दूसरी तरफ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास कार्य चल रहा है, धरती पर बिहार, आज बिहार के एक एक घर में बिजली लग गई है, हर एक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, हर एक टोले मोहल्ले को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है पक्की सड़कों से, हर घर में शौचालय बनाया गया है, हर घर में बिजली लगाने का काम किया गया है, ऐसा बिहार में न तो कभी हुआ और आगे होने की कोई उम्मीद दूसरे नेता से नहीं है। मैं समाजवादी परिवार से आया हूं, इस मैंने लोहिया गांधी, लोहिया जयप्रकाश नारायण से जो सीखा था वो बिहार की धरती पर उतारते हुए नीतीश कुमार को देखा, उसका अध्ययन किया, इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी को पूरे हृदय से प्रसन्नता पूर्वक आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया है।
अब मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती प्रेमा चौधरी जी से, प्रेमा चौधरी आदरणीय आदरणीय हमारे आज के करने वाले ऊर्जा मंत्री श्री वीरेंद्र बाबू, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सरवण बाबू और हम लोग जो तीन विधायक आज जिसमें हम सम्मिलित हुए हैं, महेश्वर बाबू, अशोक जी और मैसम। पहले मैं और सभी जो हमारे मंच पे उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ और साथ ही आप सब मीडिया से हमारे बंधुगण और हमारे साथ जो क्षेत्र से हमारे लोग आए हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, खासकर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम जी, मोहम्मद अनूठे जी जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव थे राजद के वो, और तभी हमारे कार्यकर्ता साथी जो आए हैं उनका लिस्ट हमने सौंप दिया है। और पार्टी में सम्मिलित होने का मेरा मुख्य कारण, मैं 20 साल से लगभग इन पार्टी में हूँ और मुझे लगा और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पार्टी में रहने के राजद में हमने काम करने का काम किया। लेकिन जब वक्त आया, मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी की एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया, खास करके जो महिला दलित महिला एमएलए हूँ, मैं अपनी भी बात नहीं कर, और भी जितनी जो महिला हैं हमारे दलित वो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। मैं इसलिए इस पार्टी में सम्मिलित हुई क्योंकि नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदि आबादी को सम्मान देने का काम करने किया इन्होंने, जो पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है, आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को। इन सब बातों को देखते हुए जो हमारे क्षेत्र में जो भी विकास का काम हुआ, चाहे वो बिजली तो हर घर में चली गई पढ़ने के बाद में, पूरा बिहार में जो चीज उन्होंने कहा उसका करने का दिखा कर किया, लेकिन खास करके जो दलित महिला है, जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण दिया गया, उन सब इनके सूत्र गुजार कहीं ना कहीं आदि आबादी नीतीश जी के साथ है, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे दलित महिला हो, चाहे किसी भी, चाहे छोट माने ऊंचे जाति की महिला है, सब लोग प्रभावित है क्योंकि हर घर में महिला के रूप में टीचर काम कर रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी दलित महिला होकर के, और मैं जब भी अपने मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी काम लेकर गई, आज जो सड़क का जाल बिछा हुआ है हमारे यहाँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और इनका सहयोग मुझे मिलता था, और मुझे लगा नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ। विपक्ष में रहते हुए जितना मैं अपने क्षेत्र का काम किया, इन सब बातों को देखते हुए हम फिर से पुनः, क्योंकि मैं पहले समता पार्टी में भी थी, जाने को अगर दल बदल कर नियत रहता तो मैं बीजेपी में जाती, लेकिन मैं अपने पुराने घर को याद की, हमारे पुराने साथी लोग हैं और ये सब देख करके मैं इस पार्टी को अपने साथियों के साथ, आगे को हजारों साथी आते लेकिन कोरोना को देखते हुए नामना करते हुए कुछ लोग चले आए, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ और अपने जो 5 साथी लोगों के साथ में उनको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद। जय जय डॉक्टर अशोक कुमार जी। मंच पर आदरणीय भजेंद्र बाबू, हम लोग के मित्र मंत्री सरवण भाई, महेश्वर भाई, प्रेमा चौधरी जी, अब्दुल सलाम बेग जो प्रदेश महासचिव राजद छोड़कर आए हैं, और पत्रकार बंधु, राजद छोड़कर इस दल में आने का कारण नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लाइन खींचा, उससे बड़ा विकास का लाइन
बिहार में आजादी के बाद किसी ने नहीं खींचा। दूसरी बात, जगदेव बाबू के बाद हमारे समाज कुशवाहा समाज को राजनीति में जो अधिकार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किए वो कोई नहीं किया। आज उपेंद्र कुशवाहा करके अपने को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा किसने बनाया? उन्होंने, माननीय नीतीश जी ने उनको विरोधी दल का नेता बना करके पूरे बिहार में घुमाने का काम किया और जगदेव बाबू के बाद इनको नेता बनाने का काम किया और ये भी इनको पीठ में छुरा मारकर चले गए। लेकिन मित्रों, जो कुशवाहा समाज के हिस्सेदार थे, जो नीतीश कुमार जी ने दिया वो किसी दल ने नहीं दिया। अभी जो 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी को 100 सीट पर चुनाव लड़े थे, कुशवाहा समाज की आबादी 8-9% है और टिकट कितना दिया? 15 टिकट, यानी 15% लोकसभा के चुनाव में। अगर ये नीतीश कुमार जी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन कुशवाहा को कितना टिकट दिया? 3, यानी कि करीब करीब 20%। तो आबादी के अनुसार डबल टिकट देने का काम अगर किसी ने बिहार में किया तो उस आदमी का नाम है नीतीश कुमार। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने हम पर दबाव बनाया कि आप नीतीश कुमार जी का दामन थामिए और अपने कुशवाहा समाज के लिए हमने नीतीश कुमार जी का दामन थामा। आज अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ब्लॉक में, जिला परिषद में, मुखिया में कौन पहचाने का काम किया? जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो मदरसा के शिक्षक जो 500 रुपये भी वेतन नहीं पाते थे, आज मदरसा के शिक्षक 50,000 वेतन पाते हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं चलता था मुसलमान के मदरसे को पढ़ाने वाले लोगों को, आज 50,000 उनका परिवार बहुत चल रहा है। मार्केटिंग तालीम चलाने का काम किया, महादलितों को आरक्षण दिया, महादलितों को 16 सेवक बनाकर अधिकार देने का काम किया। यह सामाजिक समीकरण का जो काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया बिहार में किसी ने नहीं किया। इसलिए यह सामाजिक समीकरण का जो काम किया, कुशवाहों का जो काम किया और जो विकास का बिहार का लाइन खींचा, इन बातों से प्रभावित होकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया और मेरी इच्छा यही है कि नीतीश कुमार जी के साथ काम करो और उनके नेतृत्व में जितना हो सके मैं अपने से सहयोग करूं। धन्यवाद। अब पार्टी के माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क और पार्टी के प्रवक्ता माननीय नीरज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। आज के इस मिलन समारोह में सब उपस्थित हम लोग के सादर अभिवादक और राज्य की जनता की आकांक्षा के प्रति आदरणीय बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, हम लोग के बड़े भाई और बिहार के गांव के खेत खलिहान के विकास के आधारशिला को मजबूत करने वाले माननीय सुमंत कुमार जी, कार्यक्रम में समुपस्थित हमारे दल में आज शामिल होने के लिए माननीय मान्यवर विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी, मान्यवर रीमा चौधरी जी, मान्यवर महेश्वर यादव जी एवं पार्टी के सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम हम इन तमाम माननीय विधायकों का और उनके साथ आए हुए पार्टी के जो समर्थक हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबके विकास के प्रति समर्पित जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है उसको अंगीकार किया है, तो हम जनता दल के परिवार में हम लोग तमाम साथी आज इस बात के लिए जानवित है कि तमाम ऐसे लोग जिन लोगों ने जनता की भावना के साथ अपने आप को जोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं, तो हम पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री सर्वम कुमार जी से अनुरोध है, कृपया स्वागत।
हम सब के नेता और बिहार जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री और जनता दल यू के प्रवक्ता भाई नीरज जी, राष्ट्रीय सचिव भाई रविंद्र जी, बिहार के पार्टी के महासचिव भाई नवीन जी, पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, और आज इस मौके पर जो जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आदरणीय प्रेमा चौधरी जी जो पातेपुर से विधायक हैं और 1995 में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी हैं, इन्होंने अपने संबोधन में कहा मेरी घर वापसी हुई है, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं महेश्वर भाई जो लड़ाकू नेता है, बिहारू नेता है, और इनसे लंबे अरसे से तकरीबन 25 वर्षों से जब मैं विधायक नहीं था संगठन का काम देखता था, उसके उस समय से मुजफ्फरपुर में संघर्ष करते रहते थे। महेश्वर भाई लड़ाकू समाजवादी नेता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार जी काफ़ी मेहनती नेता हैं, हमेशा संघर्ष रहते हैं, और इनसे भी हम लोग का पुराना लगाव है, संबंध है, और इनका भी इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं। प्रेमा जी 3 बार विधायक, 3 टर्म के विधायक हैं, और महेश्वर भाई 5 बार विधायक विधानसभा में चुन करके आए हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार जी 2 बार चुन करके आए हैं। इनका हम इस अवसर पर स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और जब हम लोग विधानसभा में बैठते हैं और विधानसभा का सत्र चलता है तो जब बातचीत होती थी तो लगता था इनके मन में विकास की पीड़ा है, इनके मन में गरीबों के उत्थान की पीड़ा है, ये चाहते हैं गरीब का उत्थान करना। लेकिन जिस दल में ये मेंबर थे, जिस दल से जीत के आए थे, वहाँ पर गरीब का सिर्फ नाम लिया जाता है, गरीब का काम वहाँ से होने वाला नहीं है, जिसकी चर्चा महेश्वर भाई ने किया, और महेश्वर भाई ने विस्तार से भी इन चीजों को रखा। तो गरीब का नाम लेने से नहीं होगा, गरीब का काम करने से होगा, और बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है गरीबों के लिए, ये जो लकीर खींची है उस लकीर को निकट भविष्य में कोई छोटा करने बड़ा नहीं कर सकता, उससे बड़ी लकीर कोई नहीं खींच सकता है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जो महात्मा गांधी सोचते थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते थे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोचते थे, जो सरदार पटेल सोचते थे, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सोचते थे, उस काम को अगर किसी ने हिंदुस्तान के सभी जगहों पर, बिहार की धरती पर, बिहार के गरीबों के लिए, गांव के लिए, गांव के जिसके झोपड़ियों में रोशनी नहीं पहुंची, वो 7 निश्चय योजना के जरिए उन गरीबों को सम्मान देने का काम किया, जिनके मोहल्ले में न गली था न नली था, आजादी कितने दिन बाद भी उनको पीने का शुद्ध पानी नहीं था, उनके घर में बिजली नहीं थी, उनको सम्मान देने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया, अगर एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर को के सपनों को अगर साकार किया, उसका नाम श्री नीतीश कुमार जी है। इस चीजों से प्रभावित होकर के हमारे ये 3 माननीय सदस्य आज जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए मैं इस अवसर पर इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मुझे विश्वास और भरोसा है कि जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है गांव के उत्थान का, गरीबों को आगे बढ़ाने का, गरीबों को न्याय देने का, न्याय के साथ विकास करने का, इस कार्यक्रम में हम इन साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा, और बिहार को आगे बढ़ाने में हम सबको कामयाबी मिलेगी। यही शुभकामना के साथ हम इनको पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। देर ही सही,
लेकिन आपने कदम उठाया, बहुत साहसिक कदम उठाया और समय पर आपने कदम उठाया, इसलिए पुनः एक बार आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री माननीय विजेंद्र राव से अनुरोध है कि आप लोग को संबोधित करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जी, सूचना प्रसार मंत्री नीरज भाई, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी जी और आज ज्वाइन करने वाले हमारी पार्टी में जो मुख्य रूप से हमारे आज के समारोह के महत्वपूर्ण लोग हैं, महेश्वर यादव जी, श्रवण भाई ने जैसा बताया कि 5 बार से विधायक हैं, प्रेमा चौधरी जी 3 बार विधायक रही है, समता पार्टी में आई थी, और अशोक कुमार, बाकी असरफी मंडल जी, मोहम्मद इस्लाम साहब, मोहम्मद अनूठे और अब्दुल सलाम साहब जो महासचिव हैं, इन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये तीनों माननीय सदस्य 15 में जो विधायक बने थे, ये नेतृत्व था श्री नीतीश कुमार जी। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 15 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसलिए ये लोग अपने नेता के साथ आए हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है, ये एक अपने आप में स्वतः की क्रिया, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। स्वाभाविक तौर से राजनीति में दल और दौलत कमाने के लिए लोग नहीं आते, एक कार्यकर्ता से जो नेता बनता है वो गांव गमे पगडंडियों पर चल करके बांस के झुरमुटों से, खेत के हरियालियों से और उजड़े हुए जगहों से चल के वो आता है। बिहार गांवों का राज्य है, आबादी का घनत्व ज़्यादा है, उसको एक एक चीज़ों का ज्ञान रहता है, गरीब गुरबार। हम लोग जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में ज्वाइन किए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बनाए हुई पार्टी को, नारा लगा दी कि गांव में अंधियारी, शहर में 24 घंटा, दीपावली, दो तरह का भारत नहीं चले, बिना मुनाफा खेती बाड़ी उस पर लगे न बाल बिजा। तो समाज के जो उपेक्षित लोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो गए गुजरे लोग हैं, आज के दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि किसी इलाके में गरीबी अगर मिटाना हो तो दो काम आप जरूर करिए, फ्लोर विद पावर एंड कम्युनिकेशन, अपने आप रोजगार पैदा हो जाए। किसानों की आय तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक उसके खेत का पैदावार जो है शहर तक नहीं जाएगा, सिंचाई की सुविधा जब तक नहीं होगी सस्ती उसकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। कि ये काम श्री नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक किया, परिवार वगैरह के लिए कुछ नहीं किया, कोई श्री नीतीश कुमार जी के परिवार का नाम नहीं जानता, लेकिन जो परिवार के लिए काम करे, हम वोट तो लेते हैं किसकी किस नारा देकर के, और नेता कौन लोग हैं, परिवार को छोड़ के कोई नहीं, सीनियर हो महेश्वर हो, 5 बार एम एल ए बने, और जो पहली बार बना वो मुख्यमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, बताइए क्या है पार्टी का काय के लिए कार्यकर्ता रहेगा उसमें। ठीक ही कहा महेश्वर भाई, यहाँ हमारे यहाँ राज्यसभा में उनका जिक्र किया, राज्यसभा में कौन गए, एक जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए चंद्रशेखर जी के साथ जो अभी उपाध्यक्ष भी थे राज्यसभा में, वो गए राज्यसभा में, और दूसरे जननायक कर्पूर जी की औलाद श्री रामनाथ ठाकुर, क्या ये दौलत वाले हैं क्या, और विधान परिषद में कौन गए, उपेंद्र नाथ वर्मा जो पुराने समाजवादी नेता थे, गया कि उनकी पुतोहू एक है, और एक मल्लाह याती से, और एक गए गुलाम सरवर साहब जो बड़े हिंदी अखबार चलाते थे, पुराने नेता थे उनका भगना है। कि ये कॉमन आदमी का हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, हर तबके के उत्थान के लिए काम करना, ठीक ही कहा प्रेमा जी ने, गर्भवती से लेकर के बच्चा पैदा होने, पढ़ने लिखने, नौकरी पाने, हुनर सीखने में सभी चीज़ में पैसा कोई गवर्नमेंट दिया है क्या। अब नेपटीन महिलाओं को
मासिक धर्म होता है ये कौन नहीं जानता। आज तक किसी सरकार ने ये काम किया है? नैपकिन के लिए भी योजना, ये मामूली बात नहीं है, गौर करने की बात। लड़कियों को साइकिल, कोई वर्ग का हो, कपड़ा, ताकि शिक्षा का आज की दुनिया में कहता है कि पढ़ो और गढ़ना सीखो। हर जिले में पॉलिटेक्निक, ITI, महिला के लिए अलग NM GNM, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर इलाके में मेडिकल कॉलेज। पढ़ो, गढ़ना सीखो और तब आगे बढ़ो, नई दुनिया का निर्माण करो। ये मामूली अवधारणा नहीं है, ये मामूली चीजें नहीं है निर्णय लेना। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री जी, एक महिला को पूछा, बुढ़िया बुढ़ी आई, इसको पढ़ाते क्यों नहीं है? कहा, बाबू कपड़ा नहीं है, कपड़ा जो है। कहा, स्कूल दूर है, जाएगी कैसे मिड स्कूल पास करने के बाद? साइकिल योजना। ये गरीबों के प्रति सोच, ये कोई मामूली बात नहीं। से आलोचना प्रत्यालोचना तो राजनीति का हिस्सा है, हमें उसमें कुछ नहीं जा रहा कहना। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बराबर कहता हूँ, बिहार के इतिहास में अनगणित है। 2052 का जो पहला चुनाव हुआ था आज़ादी के बाद, तो कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत आया था। बाकी कभी 2/3 बहुमत बिहार विधानसभा में किसी पार्टी को नहीं आया, लेकिन श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2010 में, 2015 में 2 बार 2/3 बहुमत। ये कोई मामूली बात नहीं है जन समर्थन का। आप जहां कहीं भी जाइए, उनकी सभा में देखिए महिलाओं की कितनी भीड़ रहती है। कहने का मतलब, समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है महिला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, 7 तरह की बुराइयां है दुनिया में, महिला जो है किसी जात का हो ये पिछड़ा है। एक जेल से दूसरे जेल में इसका ट्रांसफर होता है। नहर में रहेगी तो किसी के साथ हंस बोल नहीं सकती, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पखाना पेट में रखती है, सूर्यास्त के बाद भी जाती है वो। बल्कि उन्होंने एक दफे पार्लियामेंट में कहा था कि केवल महिलाओं के लिए पखाना का निर्माण कर दे तो जवाहरलाल नेहरू का मैं विरोध करना बंद कर दूंगा। ये सोच लोहिया स्वच्छता योजना श्री नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ करने का काम किया। तो कहने का मतलब, समाज के परिवार में भी आप मीडिया वाले हैं, जो बच्चे होते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा दूध दिया जाता है, ज़्यादा खाने का इंतजाम किया जाता है, जो बूढ़े होते हैं उसके लिए भी, बीच वाले के लिए थोड़ा खटखटाई भी किया जाता है। तो समाज में भी जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उपेक्षित है रहा है, उसके लिए थोड़ा विशेष तरजीह देना, ये स्वाभाविक है समाज के समग्र विकास के लिए। सबों को मिलकर ही भारत बनता है, हर वर्ग, हर तबके, हर जात बिरादर का। वर्ण व्यवस्था ने भी भारत को बड़ा नुकसान किया। अंग्रेज आए, अंग्रेज के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हम लोग गुलाम हुए। हूं आए, शशांक आए, सब हमारा राजा बन बैठा। किसी से युद्ध भारत जीता नहीं, इतिहास बताता। इसके पीछे कारण वही है, वो हो नृत्य हमें क्या जाने, लेकिन लोकतंत्र में ये बात नहीं होती। अब रानी के पेट से राजा नहीं निकलता। 18 साल का जो वालिंग लोग है, वो जो वोट डालता है, उस वोट से सरकार का निर्माण होता है। इसीलिए लोकतंत्र में समाज सेवा, सभी वर्गों का उत्थान और गरीब गुरबा का, उपेक्षित लोगों को विशेष, पहली बार दलित के मोहल्ले में झंडा फहराने, अगर मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो खड़े रहते हैं, वहाँ का बुजुर्ग आदमी झंडा फहराता है, ये कोई मामूली सम्मान का सवाल है? कभी किसी दलित ने समझा भी था कि आज़ादी का क्या अर्थ होता है, तिरंगा झंडा का क्या अर्थ होता है? ये सब अद्भुत काम, ऐतिहासिक काम, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का इतिहास जिंदा में आदमी कई तरह की आलोचना का शिकार होता है। ठीक ही कहा एक बड़े आदमी ने कि अच्छे काम को चलोगे तो पहले गालियां दी जाए, मजाक उड़ाया जाएगा, कुछ दिनों के बाद गालियां मिलेगी और इसके बाद स्वीकृति मिलकर तेरी पूजा होगी। इसीलिए डॉक्टर लोहिया भी हम लोगों के नेता कहते थे, मेरी बात लोग जरूर सुनेंगे रोज, शायद मेरे मरने के बाद। इसलिए समाज के निर्माण में ये ऐतिहासिक काम सरकार में रह करके, माल बनाने का काम नहीं, कमाल करने का काम, ये जो करने का काम किया गया, ये मामूली बिहार के इतिहास में मुख्यमंत्री भी दो मुख्यमंत्री रहते जेल गए लोग, भाई अद्भुत घटना सब हुई, किसी राज्य के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अब जरा बताइए क्या होगा राज्य का? इसीलिए
इन लोगों का मैं स्वागत करता हूं और बिहार के अभिनव विकास के लिए आने वाले 21वीं सदी में, अभी जो 21वीं सदी में उसमें हिंदुस्तान का एक समुन्नत राज्य बने, हमारे नौजवान नई पीढ़ी को शिक्षा संस्कार दीक्षा सेवा करने का मौका रोजगार देने का काम आगे बढ़े जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं उसके इसमें सहयोग करने के लिए इन लोगों का हम स्वागत करते हैं। इसमें से अधिकांश लोग पुराने हैं इसीलिए मैं फिर इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रशंसा करना चाहता। अब आप लोग कुछ पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। श्याम रजक ने कहा है कि जो पार्टी ने निकाला है जी पार्टी संविधान का भी ख्याल ले रखा है उनको निकाल क्या संविधान है जरा उसे पूछिए संविधान को पढ़े हुए हैं क्या ये अनावश्यक बातों का कोई उत्तर नहीं हो सकता। अज्ञानता में कुछ लोग कुछ बकबक करते रहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता। आजकल आजकल बकबक ही ज्यादा होकर रहे हैं लोग जी। हाँ कौन चीज वो तो वो जाने वो जो मन दो तीन महीना पहले ही बना चुके थे जी। हम लोग चूंकि हम लोगों के पार्टी के लोग थे हम लोगों ने अंतिम क्षण तक मौका दिया कि सुधर जाए। तो दलित कैठो मिनिस्टर है जरा देख लीजिए तो दलित काय मिनिस्टर जरा गिनिए इतना कभी दलित मिनिस्टर रहा था। पूर्णिया वाले जो हैं हम लोग के भाजपा के वो भी दलित हैं। रमेश ऋषिदेव दलित हैं क्या कहते हैं ये महेश्वर हजारी दलित हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दलित हैं। दलित अफसर लोग कितने जगह पर हैं। आरोप लगाने हम ही तो केवल पिछड़ा हो जाए अब बाकी कोई ना हो बेटा बेटी या पत्नी ही पिछड़ा हो अगर ये थ्योरी उनको स्वीकार जताए कहे थे वहाँ से। उन्होंने कहा है कि जदयू में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है इसलिए इस चीज को समझौता नहीं। वो आरजेडी से काहे छोड़ के भाग आए थे। नवरत्नों को का नाम था अखबारों ने छापा है काहे के लिए उसमें से आ गए यहाँ वो काहे के लिए आए। और वो सबक ले चुके हैं कह रहे हैं कि अब हम आरजेडी में घर वापसी कर लिए हैं। हम उनको बधाई देते हैं कि वहाँ उन्नति करें हम गाय के लिए क्या आलोचना करेंगे। क्या 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 चुनावी साल में एक आपका सिटिंग दूसरी पार्टी में चला जाता है क्या नीतीश कुमार के लिए अपने मंत्रियों को भी वो। अरे भाई बिहार का इतिहास रहा है भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी भाग गए हैं चुनाव के समय में इसका जनता सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में। असर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या आज ये पहली घटना है तो और भी हम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं लिए दो तीन बार ऐसा हो चुका दो तीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है बल्कि इस देश का तो प्रधानमंत्री नामांकन किया किसी का राष्ट्रपति में अब भर दिया किसी को और पार्टी भी तोड़ दिया। सर एक लास्ट सवाल है इसका आपने जब कहा है कि कारवा चलनी शुरू हो गई है जी कारवा उनके साथ चलनी शुरू हो गई है उनके पीछे पीछे कई मंत्री और विधायक आएंगे जदयू से कोई नहीं जाएंगे ये अफवाह है। आजकल कयास बकवास और क्या कहते हैं ये ज्यादा प्रचलित है और आप लोग भी उसको बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं ये सच नहीं है जी। बात होगी तो आप लोगों को बताया जाएगा आप ही लोग छापते हैं कि बात हो रही है तो हम लोग नाम को अब लोकतंत्र में किसी को किसी पर हमला बोलने का किसी को किसी का प्रशंसा करने का अधिकार है। आपका सहयोगी पार्टी है किसी नहीं है वो अरे कभी सहयोगी होता है कभी विरोधी होता है राजनीति का हिस्सा। एक बात नहीं आप कीजिए
सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में रशिया में और अमेरिका में जितना दूरी था, आज वो दूरी नहीं है। लेकिन हिटलर के खिलाफ दोनों एक जगह हो करके एटम बम का प्रभाव प्रहार किया। तो राजनीति में कब कौन किसके साथ जाए, नहीं, जब अपनी इच्छा है। जी आप गौर करिएगा, आप गौर करिएगा तो कई तरह की घटनाएं अपने आप बिहार में होती रही, स्वाभाविक तौर पर है, ये कोई नई चीजें नहीं है, कोई आता है कोई जाता है। लेकिन मूल रूप से नेता और दल ही लोकतंत्र में ताकतवर होती है, व्यक्ति नहीं होता है। बड़े बड़े व्यक्ति भी गए, चुनाव लड़े, हार गए, जवानों तक जब हो गए। नेतृत्व, संगठन और दल, यही लोकतंत्र का महत्वपूर्ण चीज है। और संविधान में इसीलिए दल को ही मान्यता है और दल ही चुनाव लड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।